अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किस हैसियत से कहता है वो? भारत का व्यक्ति होने के नाते कहता है, देशद्रोही होने के नाते कहता है। क्या कन्हैया कुमार को इस प्रकार से टिकट देना, क्या भारतीय कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कोई छाप छोड़ के जाएगी? इस पर तो इलेक्शन कमीशन को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि जो व्यक्ति इतना बड़ी बात कहता है, देशद्रोह की बात करता है, उसको टिकट कांग्रेस ने कैसे दे दिया? पिछली बार भी हारा था, इस बार भी हारेगा, हारेगा। और जो वो ताल ठोक के कह रहे जीतेंगे, ताल ठोक के नहीं कह रहे, वो अपना गाल ठुकवाएंगे। नामांकन सभा में उनके कार्यकर्ता द्वारा मोदी जी को उनके माँ की गाली देते हुए नजर आए और वहाँ पे कन्हैया कुमार हंस रहे। देखिए, मोदी साहब ऐसा संत महापुरुष आदमी है ना, उनको जितना भी गाली दे दीजिए, ये देखिए ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे करगस समुद्र जन वचन रहे संत जनटारी, और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, राहुल गांधी की सेना से उनके एक कैंडिडेट विवादों में फंसे पड़े हैं, वर्तमान में हो या भूतपूर्व। एक अध्यक्ष रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वहाँ के अध्यक्ष रहे हैं, और अभी उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से लोकसभा चुनावों के लिए पर्ची दी गई है, उनको सीट दी गई है, दावेदारी दी गई है। एक ऐसे व्यक्ति है जो विवादों में रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, वो अभी जनता के दम जनता के नाम पे दिखते कहते दिख रहे हैं कि हम अब की बार जीत के दिखाएंगे, मनोज तिवारी को उखाड़ फेंकेंगे। जनता का अपना क्या मत है उनको लेके, आइए बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संदीप। संदीप जी क्या करते हैं? जॉब। अच्छा, आप जानते होंगे कन्हैया कुमार के बारे में भली बात। बिल्कुल। कैसे लगते हैं? जो व्यक्ति किसी पद पे ना होने के ना होते हुए भी कहता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। किस हैसियत से कहता है वो? भारत का व्यक्ति होने के नाते कहता है, देशद्रोही होने के नाते कहता है, और उसको कांग्रेस टिकट दे देती है। अभी उसका ये आलम, जब उसका ये आलम था तो आगे क्या आलम होगा? और वो कहता है कि मैं मनोज तिवारी को हरा दूं, ताल ठोक के कह रहे हैं कि मनोज तिवारी को हरा दिया जाएगा। और तो और, उनका जब उन्होंने नामांकन भरा है, उनके कार्यकर्ता जो समर्थक वहां पहुंचे थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अपने देश के माननीय प्रधानमंत्री को माँ की गाली दी है और वो हंसते नजर आए हैं वीडियो के अंदर। इस पे क्या कहेंगे आप? जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री को अपशब्द कह सकता है, उसके समर्थक अपशब्द कह सकते हैं, वो देश का क्या हाल करेगा? वो कहता है अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वो अफजल कौन है? इनका सगा रिश्तेदार है, देशद्रोही था वो। लेकिन अफजल को बहुत बचाव करते नजर आ रहे हैं। देशद्रोही को, एक अलगाववादी को बचाव कर रहा है तो वो व्यक्ति कैसा होगा? वो देश के हित में क्या काम करेगा? कांग्रेस क्या काम करेगी? उसको टिकट क्यों दिया? क्या सोच के दिया उसको? क्या राष्ट्रवादी खुद को सिद्ध करते नजर आ रहे हैं? वो राष्ट्रवादी नहीं है, वो अलगाववादी है, देशद्रोही है। तो क्या कन्हैया कुमार को इस प्रकार से टिकट देना, क्या भारतीय कांग्रेस पार्टी के ऊपर भी कोई छाप छोड़ के जाएगी? सवालिया निशान लगा दिया है कांग्रेस पार्टी पे, सवालिया निशान लगा दिया है। इस पे तो इलेक्शन कमीशन को ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए कि जो व्यक्ति इतना बड़ी बात कहता है, देशद्रोह की बात करता है, उसको टिकट कांग्रेस ने कैसे दे दिया? तो अभी तो वो कहते नजर आ रहे हैं जीतेंगे। क्या लगता है जनता के बीच यदि वोट मांगने आएंगे तो जनता किस प्रकार से अपना प्रेम दिखाएगी उनके लिए? जनता प्रेम नहीं दिखाएगी, जनता उसको देशद्रोही कहेगी। जनता बहुत समझदार हो चुकी है। अच्छा। 2014 से पहले जनता कुछ और थी, आज कुछ और है। वो समय चला गया। तो क्या जनता आपके बार कन्हैया कुमार को हराएगी, जिताएगी, पिछली बार के इतिहास दोहराएगी? हराने का? पिछली बार भी हारा था, इस बार भी हारेगा, हारेगा। और जो वो ताल ठोक के कह रहे जीतेंगे, ताल ठोक के नहीं कह रहे, वो अपना गाल ठुकवाएंगे। अच्छा। वो अपना गाल ठुकवाएंगे। क्या जो व्यक्ति का इस प्रकार से, एक व्यक्ति भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, एक जो व्यक्ति देशद्रोही है, उसको कांग्रेस पार्टी के द्वारा चुनाव में उतारना सही है या गलत? देखिए, कांग्रेस का मैनिफेस्टो में ही रहा है कि जो जो देश तोड़ने की बात करता है, जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसके जाके गोद में बैठ जाना, उसको सपोर्ट करना, ये तो उनका मैनिफेस्टो में है। वो ये चाहते हैं कि देश टुकड़े टुकड़े हो जाए, पहले कर भी चुके हैं,
पाकिस्तान तोड़ के दे दिए, बांग्लादेश तोड़ के दे दिए, तो ये शुरू से करते आए हैं और ये उसी टाइप का आदमी को चुन चुन के लाते हैं जो राष्ट्रद्रोह की बात करता है, देशद्रोह की बात करता है, देश को तोड़ने की बात करता है। तो मैं तो यहाँ का आवाम को एक ही बात कहना चाहूँगा कि देखिए, कोई भी योग्य व्यक्ति को चुनिए जो देश का भला कर सके, राष्ट्र का भला कर सके, धर्म का सुरक्षा कर सके। ऐसा अयोग्य व्यक्ति को मत चुनिए जो कि आप ही को भस्म कर दे, जैसा भस्मासुर को शंकर भगवान जो है ना वो वरदान दे दिए थे, देवाधिदेव महादेव को प्रसन्न कर लिया भस्मासुर, बोला शंकर भगवान मेरे को वरदान दीजिए, बोला हाँ मैं तो तेरे से प्रसन्न हूँ, क्या वर मांगते हो मांगो। तो ऐसा वरदान दे दीजिए, ये हाथ जिसके ऊपर रख दूँ वो आदमी जलकर भस्म हो जाए, माने मर जाए वो। बोला ठीक है, तो शंकर भगवान तथास्तु बोल दिए, उसको आशीर्वाद दे दिए। अब वो बोलता है मेरे को ये आग जिसके ऊपर हाथ रखूंगा वो जल के मरेगा कि नहीं, कैसे चेक करूं, हम तो आप ही के ऊपर ट्राई करेंगे। तो शंकर भगवान पर ही ट्राई करना शुरू कर दिया कि हम आपके ऊपर हाथ रख देंगे और आपको जला जला करके भस्म कर देंगे। तो शंकर भगवान अपने आप को बचा करके भागने लगे। तो वैसे ही आवाम यहाँ का जो है ना अपने आप को बचा के भागने लगेगा तो हिंदुस्तान के अलावा उसको दूसरा जगह छुपने का भी नहीं है, वो कहाँ भाग के जाएंगे। तो ऐसे अयोग्य व्यक्ति से बचे जो देश को तोड़ने की बात करते हैं, अलगाववादी हैं, जो राष्ट्रद्रोह की बात करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसा आदमी है वो भारत की तोड़ने की बात करते हैं, उनका खेमा से आवाज आता है, वो खुद बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ऐसा आदमी को टिकट दे करके ये स्टैम्प मार दिया है कांग्रेस कि मेरे अंदर में राष्ट्र प्रेम नहीं है, ये बात जान लीजिए, मैं उसका गोद में बैठता हूँ जो बोलता है भारत तेरे टुकड़े होंगे। तो ये अपना मनसा जाहिर कर दिए। तो यहाँ का आवाम को चाहिए ना। और रह गया सवाल, मोदी साहब को कौन गाली दे रहे थे, आप अभी बोल रहे थे मोदी साहब को कौन? नामांकन सभा में उनके कार्यकर्ता द्वारा मोदी जी को उनकी माँ की गाली देते हुए नजर आए और वहाँ पे कन्हैया कुमार हंस रहे थे। देखिए, मोदी साहब ऐसा संत महापुरुष आदमी है ना, उनको जितना भी गाली दे दीजिए, ये देखिए ऐसे झाड़ते हैं ऐसे, करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी। बिजली अगर समुद्र में गिर जाती है ना तो समुद्र का जो है ना बाल बाका नहीं होता है, समुद्र को जला नहीं सकेगा बिजली, इतना अथाह पानी रहता है। वैसे ही महापुरुष हैं नरेंद्र मोदी साहब, उनको जितना भी गाली दे दो ऐसे झाड़ेंगे। करगस सम दुर्जन वचन रहे संत जनटारी और बिजली परे समुद्र में कहां सकेगी जारी, जला नहीं सकेगा, कुछ नहीं बाल बिगाड़ सकेगा। वो गाली देते रहे उनको लिए और भी वरदान साबित होगा जितना भी गाली दे दें।